ये देखें ये बच्चों के लिए इतनी मज़ेदार कहानी है ना इस्लामी लिहाज से और ये है रिसाला फिज़ान मदीना तो आजकल वैसे हमें दुनियावी लिहाज से के हर चीज़ का पता होता है क्या फैशन में है क्या डिज़ाइन चल रहा है क्या मतलब इन है क्या ख़बर क्या सेलेब्रिटी की लेकिन अगर इस्लामी लिहाज से देखें ना तो हमें बारीकियों का नहीं पता होता तो ये वाला रसाला इतना फ़ायदेमंद है तो मैं ये अपने बेटे को पढ़ाऊँगी बहुत अच्छी कहानी, उसको कहानी है उसको कहानियाँ पढ़ने का ना बड़ा शौक है आजकल ना उसको पढ़ने का ना उर्दू पढ़ने का खास तौर पर ना हमारी जो नई नस्ल है ना वो उर्दू से दूर होती जा रही है तो उसको बड़ा शौक़ है अच्छा इतने अच्छे टॉपिक हैं ये देखिए अपने बच्चों पर नज़र रखिए इतना कुछ इससे सीखने को मिलता है ना मैं अभी ये पढ़ रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे ना शेयर करूँ तो देखिए इतने अच्छे अच्छे से रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से ना जो हमारा दीन है ना कहते हैं ना मुकम्मल ज़बता हयात है, है तो हम किताबों में पढ़ते होते थे तो ये वाकई ना पूरे जो मामलाते ज़िंदगी हैं ना उनको दीन के मुताबिक करना इसे कहते हैं ज़बतः हयात है, है हमारा दीन ना तो वैसे तो हम नमाज रोज़ा कर लेते हैं जो हमारे हकूकुल्ला है हैं वो भी कर लेते हैं जो असल है ना हमारे मामला वो हों दीन के मुताबिक वो है असल चीज़ तो मैं अभी इसको गो थ्रू कर रही थी बच्चे तंग नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं ये अपना टाइम ना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ मैं ये चीज़ पढ़ूँ वरना फिर जब अहमद रो पड़ा तो बस फिर मेरा वो टाइम निकल जाएगा तो और सुबह सुबह सुब फ्रेश कहते हैं ना बंदा जहनी तौर पे फ्रेश होता है तो उस टाइम जो पढ़ ले तो वो ना जहन के अंदर स्टोर हो जाता है ना कहते ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना कॉन्शियस में फिर वो स्टोर हो जाता है वो याद रहती हैं चीज़ें तो अच्छा जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना इजाज़त दीजेला फेस